आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, पहाड़ समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। और चलिए अब रुख कर लेते हैं उत्तराखंड की खबरों की तरफ। और पहली खबर ज्वालापुर से सामने आ रही है, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी बरखा रानी को बनाए जाने पर ज्वालापुर क्षेत्र के ग्राम मुजाहिदपुर सतीवाला में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि हमें ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो हमेशा हमारे साथ खड़ा हो, और आज तक हमारे साथ कोई विधायक या सांसद नहीं रहा है। हमारा गाँव डाक क्षेत्र में माना जाता है। और बैठक में मौजूद कई जिम्मेदार लोगों ने यह फैसला लिया कि कांग्रेस प्रत्याशी बरखा रानी का बहिष्कार करने का कार्य होगा। यहाँ पर ज्वालापुर विधानसभा में दिनेश कुमार जी पिछले 3 सालों से लगातार मेहनत कर रहे हैं, जो है कांग्रेस पार्टी में सदस्यता को जोड़ने का काम कर रहे थे। भाजपा बीएसपी को सभी को कांग्रेस में जोड़ने का काम किया है, और कांग्रेस हाईकमान ने बरखा रानी को टिकट देकर बहुत ही ज्यादा गलती की है। तो इस पर यह है कि दोबारा से निर्णय लिया जाए, वरना यह सीट जो है भाजपा के खाते में सीधी सीधी जाने को बिल्कुल साफ है। सुरेश राठौर का कार्यकाल कोई अच्छा नहीं रहा, यहाँ गांव में भी वैसे विकास के उसमें भी कोई अच्छा नहीं रहा, लेकिन अब की बार कांग्रेस हाईकमान ने इतना बेकार प्रत्याशी उतार दिया, लेकिन इसमें जो है सुरेश राठौर साफ साफ जीत रहे की बार। इस संबंध में दिनेश कुमार हमारे वही नज़दीक की हैं, हमारे भांजा भी है रिश्ते में, और गांव में करीब और इलाके में लगभग दो ढाई साल से लगातार इनका प्रयास जारी। कांग्रेस पार्टी के लिए इन्होंने टिकट के दावेदारी की, और इस दावेदारी में इलाके के क्षेत्र के लोगों ने बहुत सहयोग किया, लेकिन किसी कारणवश बरखा का टिकट होगा, जिससे लोग इसके टिकट होने से असंतुष्ट है क्षेत्र के लोग। वहीं कालादुगी विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी के टिकट वितरण के बाद बगावत के सुर दिखने लगे हैं। वहीं उत्तराखंड के कांग्रेस प्रदेश महामंत्री तारा नेगी ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन फॉर्म लिया है। वहीं तारा नेगी का कहना है कि जिस तरह से पार्टी वितरण में पार्टी ने पैराशूट प्रत्याशी को उतारा है, रामनगर में हमारे नेताजी रणजीत रावत ने 5 साल अथक प्रयास करके तमाम जनमानस को अपनी तरफ किया था। देखिए, हमने कांग्रेस पार्टी की लंबे समय से कार्यकर्ता रहे हैं और पार्टी की सेवा की है। बढ़ चढ़ के हर कार्यक्रम में कांग्रेस की भागीदारी निभाई है, और जिस तरह से आज टिकट वितरण हुआ है, एक हम पैराशूट को यहाँ पर उतारा गया है। जैसे रामनगर हमारे नेताजी रणजीत रावत जी ने 5 साल अथक प्रयास करके तमाम जनमानस को अपनी तरफ एक किया था, और उनका टिकट काट के एक पैराशूट प्रत्याशी यहाँ पर उतारा गया है। और इसी तरह कालाडुंगी में भी, और हम पार्टी के इस निर्णय से नाखुश हैं, और इसीलिए मन बनाया है कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर अपना नामांकन कराएंगे और इलेक्शन लड़ेंगे। अगली खबर कालाडुंगी से है, जहां पर ICICI फाउंडेशन ने किसानों की आय को बढ़ाने के लिए महिलाओं को बाजपुर ब्लॉक में बरहैनी की ग्राम सभाओं में सामूहिक रूप से मशरूम उत्पादन की ट्रेनिंग दी। मशरूम को रोजगार से जोड़ने का उद्देश्य है कि मशरूम एक ऐसा उत्पादन जिसमें खर्चा कम और उत्पादन बहुत अच्छा है। ग्रामीण की दिन प्रतिदिन खेती भूमि जो है वो कम होती जा रही है, और खर्चे दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। आज महिलाओं को परिवार चलाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और इसीलिए इस ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। गांव शहर बाजपुर से बिलोंग करती हूँ, और ये ICICI फाउंडेशन से हमारे यहाँ मशरूम की ट्रेनिंग ली गई है, जिसमें हमारे कुछ सब्जियों की 25 से 30 महिलाएं लगभग जुड़ी हुई हैं। इसमें हमने 100 से 110 के बीच में बैग बनाए हुए हैं, जिसमें हमारा 4 से 4.5 हजार के लगभग खर्चा आया है, और 3 महीने के अंदर लगभग हमें लगता है कि 15,000 रुपए की मशरूम हम बेच लेंगे। लालकुआ विधानसभा सीट से कांग्रेस की महिला उम्मीदवार संध्या डालाकोटी को दुर्गापाल और हरेंद्र बोरा के समर्थकों ने मुख्य गेट पर रोक दिया। लगभग 1 घंटे तक पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीशचंद्र दुर्गापाल के मुख्य द्वार के समक्ष धरने पर बैठी रही। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी संध्या डालाकोटी हल्दू चौड़ स्थित पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीशचंद्र दुर्गापाल आवास पर आकर उन्होंने आशीर्वाद लेने के लिए पहुंची हुई थी। कांग्रेस के प्रत्याशी संध्या डालाकोटी को
पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल से मिलने की जिद को लेकर उनके आवास के बाहर वो धरने पर बैठी और पूर्व कैबिनेट मंत्री से मिलने की जिद करने लगी, जबकि भीतर से दुर्गापाल समर्थक कांग्रेस के खिलाफ नारे लगाते रहे। इसके बाद उन्होंने पूर्व मंत्री दुर्गापाल के आवास पर लगा कांग्रेस का झंडा भी उतार दिया। संगठन ने और प्रदेश के संगठन ने मुझे लालकुआ विधानसभा का प्रत्याशी बना के यहाँ पर भेजा और मैं आज आदरणीय अपने पूर्व कैबिनेट मंत्री हरिश्चंद्र दुर्गापाल जी के निवास स्थान पर आई उनसे आशीर्वाद लेने के लिए, और मेरे आते ही उनके द्वार बंद हो गए। तो ऐसा क्या कारण था? मैं भी कांग्रेस पार्टी में 2002 से इसकी सेवा कर रही हूँ, पैनल में मेरा नाम गया। एक महिला को अगर इस क्षेत्र की जिम्मेदारी अगर पार्टी ने दे दी है तो ऐसा क्या कारण रहा आज ये मुझे आशीर्वाद देने को तैयार नहीं है? तो मैं ये कहना चाहती हूँ, एक मात्र शक्ति का अपमान किया गया, और मैं ये कहना चाहती हूँ मैं उनकी बहू के समान थी, उनकी बेटी के समान थी, ऐसा क्या कारण है कि आज मंत्री जी मेरे संग ऐसा कर रहे हैं? यहाँ बैठक हो रही है तो उनको आना नहीं चाहिए था, जब माहौल यहाँ इस तरह का है कि टिकट कटने के बाद लोगों का जो गुस्सा है उसको लेकर के बैठक थी तो उनको आना नहीं चाहिए था। मैंने उनको ये बताया है कि यदि आपको बात ही करनी है तो आप अकेले आइए, बात करिए, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा दरवाजा सबके लिए खुला रहता है, लेकिन जब बैठक चल रही थी तो। वहीं ऋषिकेश में भाजपा प्रत्याशी प्रेमचंद्र अग्रवाल ने नामांकन किया। नामांकन के मौके पर हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक सहित भाजपा कार्यकर्ता तहसील परिसर पर पहुंचे। हालांकि नामांकन कक्ष के बाहर तैनात पुलिस फोर्स ने नामांकन कक्ष के अंदर प्रत्याशी और सांसद निशंक सहित एक प्रस्तावक को एंट्री दी। वहीं सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया है कि इस बार भाजपा 60 पार सीटें लाकर चुनाव जीतेगी। वहीं विधायक प्रत्याशी प्रेमचंद्र अग्रवाल ने बताया कि केंद्र और राज्य की योजनाओं से उत्तराखंड में कई विकास कार्य हुए हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने प्रदेश नेतृत्व का और राष्ट्रीय नेतृत्व का माननीय सांसद जी का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ कि चौथी बार मुझे ऋषिकेश विधानसभा से अपना प्रत्याशी घोषित किया है। और निश्चित रूप से हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के बल पे पूरे 5 साल जो मैंने विकास कार्य किए हैं, मेरी प्रदेश की सरकार ने जो काम किए हैं और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से इस उत्तराखंड के अंदर विशेषकर मेरे विधानसभा क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुए हैं। यहाँ से कर्णप्रयाग रेलवे लाइन है, यहाँ से चारधाम मार्ग की बात हो, 158 करोड़ से गंगा जी को पवित्र करने की बात हो, और जिस प्रकार से माननीय मोदी जी ने कोरोना के दौरान एक एक व्यक्ति की चिंता की, हमारे क्षेत्र में चिंता की है, और बार बार बीच बीच में माननीय सांसद जी का आशीर्वाद इन तमाम योजनाओं में रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि हम चौथी बार बहुत बड़े अंतर से इस सीट को हम जीतने वाले हैं। स्वभाव की है और जिम्मेदारी हम सब की ही है। जब पार्टी की बात होती है तो पूरी पार्टी ऐसे वक्त पर एकजुट रहती है हमेशा, और हमारी सीटें बहुत अच्छी सीटें हैं। इस हरिद्वार लोकसभा से जितनी सीटें हम पिछली बार लाए उससे भी ज़्यादा सीटें आने वाली हैं। पूरे प्रदेश में बहुत अच्छा वातावरण है और जो पार्टी ने तय किया है कि इस बार 60 पार, उस नारे के साथ हम बहुत सशक्त तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और लोगों में स्वभाव के बहुत उत्साह भी है, क्योंकि जो हमने कहा था डबल इंजन की सरकार उसको हमने साबित। वहीं रुड़की में भाजपा से टिकट न मिलने पर नाराज भाजपा कार्यकर्ता वेद टेक बल्लभ परसों नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। वहीं रुड़की से भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे वेद टेक बल्लभ ने बताया कि मैं परसों से पार्टी की सेवा करता आ रहा हूं, इस बार मैंने पहली बार टिकट की मांग की थी पर पार्टी ने मुझे नजरअंदाज किया। ना चाहते हुए भी लब पर वो फरियाद आती है, वर्षों से दिल में संजोए बैठा था, आज वो आगाज बनकर आती है। जो दिल में बातें थी वो बिना किसी अपेक्षा के हम जो सेवा कर रहे थे, आज जब समय आया तो पार्टी ने हमें दरकिनार किया, हमें महत्व नहीं दिया गया, या जिसको महत्व दिया गया, जिसको उन्होंने प्रत्याशी बनाया है
वो हमें स्वीकार नहीं है, क्योंकि वो जनता को स्वीकार नहीं है। जनता में उसका पूर्णतया विरोध है, कार्यकर्ता में भी उनका पूर्णतया विरोध है। ऐसी विरोध की स्थिति में उनको टिकट दिया जाना का स्वागत मैं तो नहीं करता हूँ। बस परसों हमने नामांकन करना है, कल तो अवकाश है, गणतंत्र दिवस है और एडवोकेट को सारी फॉर्मेलिटी दे दी गई है, सब तैयार है, उन्होंने तैयार कर दिया है, परसों हम नामांकन करने के लिए जा रहे हैं। वहीं रुड़की विधानसभा से भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा को भाजपा की ओर से एक बार फिर से टिकट दिया गया है। टिकट दिए जाने से नाराज विश्व हिंदू परिषद में लंबे समय से कार्य कर रहे भाजपा नेता नितिन शर्मा अब निर्दलीय ही चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। नितिन शर्मा विधानसभा चुनाव को लेकर काफी समय से क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं और भाजपा से टिकट की मांग भी कर रहे थे, लेकिन भाजपा ने उनको टिकट नहीं दिया बल्कि उस व्यक्ति को टिकट दिया है जिनसे वो पहले भी काफी नाराज रहते हैं। इसी नाराजगी के चलते भाजपा नेता नितिन शर्मा ने निर्दलीय ही चुनाव में उतरने का निर्णय लिया। हम ये रामनगर में जनसंपर्क कर रहे हैं। अच्छा, क्या कह रहे हैं लोगों से वोट देने की अपील? आप निर्दलीय लड़ रहे हैं, क्योंकि लोगों से बहुत स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा है और जनसंपर्क तो मैं कई महीनों से लगातार जनता के साथ कर रहा हूँ और मेरा उनके साथ तो स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा है। भाजपा से आपको टिकट नहीं मिला तो क्या इस वजह से नाराज है भाजपा से? देखिए, भाजपा से बहुत लंबे समय से हम काम कर रहे थे और जिसको उन्होंने टिकट दिया है उससे बड़ी निराशा हुई है और जनता ने सबने साथियों ने कहा है कि आप चुनाव में खड़े होइए, हम लोग चुनाव जिताएंगे, तो इसलिए हम। वहीं गंगोलीहाट विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी फकीर राम टमटा ने अपना नामांकन किया। साथ ही कोविड नियमों को ध्यान में रखकर और चुनाव आयोग की बनाई गई गाइडलाइन के अनुसार भाजपा प्रत्याशी ने अपना नामांकन किया। इससे पूर्व समर्थकों ने गमजोशी के साथ उनको फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान फकीर राम टमटा ने कहा कि उनको गंगोलीहाट क्षेत्र से जनता का आशीर्वाद मिलेगा। विधानसभा में अनेकों उन्होंने ऐसे कार्य करे हैं जिससे क्षेत्र का विकास होगा। नामांकन के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। इस मौके पर निवर्तमान विधायक मीना गंगोला सहित लोग वहां पर मौजूद रहे। के नामांकन अंदर के आ गया हूँ। माँ कालिका की कृपा, माँ भगवती माता की कृपा, माँ कोटगाड़ी की कृपा मेरे ऊपर कृपा करेगी और मैं बम्पर वोटों से जीत के आऊंगा। वही धनौल्टी विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी प्रीतम सिंह पवार ने अपना रिटर्निंग ऑफिसर लक्ष्मी राज चौहान के समक्ष नामांकन किया है। साथ ही कोविड नियमों को ध्यान में रखकर और चुनाव आयोग की बनाई गई गाइडलाइन के अनुसार भाजपा प्रत्याशी ने अपना नामांकन प्रस्तुत किया। इससे पूर्व समर्थकों ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। इसी के साथ प्रीतम पवार ने कहा कि उन्होंने धनौल्टी क्षेत्र की जनता से आशीर्वाद लिया है और विधानसभा में उन्होंने अनेकों ऐसे कार्य किए हैं जिससे क्षेत्र का विकास होगा। और पूरे शासन स्तर पर और जो भी जनता की समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए और आगे भी मेरा प्रयास रहेगा कि मैं अब मुझे मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मैदान में हूं तो निश्चित तौर पर जनता का आशीर्वाद आगे मुझे भी चाहिए और पार्टी को भी, क्योंकि पार्टियां जो आज पार्टी है हमारी भारतीय जनता पार्टी, निश्चित तौर पर आप देख रहे हैं कि माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा उत्तराखंड को जितना सहयोग प्रदान किया जा रहा है, विभिन्न जो जनकल्याणकारी योजनाएँ उत्तराखंड के जनमानस के लिए लागू की गई हैं और उसी तरह राज्य सरकार द्वारा इन 5 सालों में जो विकास कार्य पूरे प्रदेश के अंदर किए गए, धनौल्टी विधानसभा क्षेत्र के अंदर किए गए, उनको और तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए निश्चित तौर पर अगर जनता का सहयोग मिलेगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और 5 सालों में धनौल्टी विधानसभा क्षेत्र के अंदर चाहे रोजगार के मुद्दे हों, तब चाहे वो स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में और बेहतर काम करने की जो ज़रूरत है उसको भी पूरा करेंगे और जो सड़कें हैं जो गांव छूट गए हैं उनको और बेहतर तरीके से उन गांवों तक सड़कें पहुंचाएंगे, ये हमारा लक्ष्य होगा। और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए अब बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। राजधानी से लेकर हर तहसील तक, जनता की समस्या से राजनीति तक,
आपकी आवाज को उधार देते हैं हम, बात भ्रष्टाचार की हो या बढ़ते अपराध की, सच दिखा